हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ सेवर टेरर में। तो गाइस, आज बहुत दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा बीमार हो गया था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ओलियम ट्रेड का। और वो सीरीज मैं इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा था, नहीं व्यूज आ रहा था, नहीं लाइक आ रहा था। इसीलिए पहले ओलियम ट्रेड के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते इस सब का जो है कलर है वो चेंज हो गया है, ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ जो कलर है थोड़ा डार्क हो गया है, अब दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और तो चलिए अब बात कर लेते हैं ओलियम ट्रेड के 1 मिनट सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जरूर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोग हो सकता है इससे पहले बहुत लॉस कर रहे होंगे, अब अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। और हाँ गाइस, मैं डेमो अकाउंट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेमो अकाउंट रियल अकाउंट सेम ही होता है, बस इसमें थोड़ा इमोशंस का फ़र्क होता है। मेरे पास बैलेंस का थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए मैं डेमो अकाउंट से कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, आपको 1 मिनट का ट्रेड कब लेना है, कब नहीं लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर हैमर बना है, दिख रहा है। और यहाँ देख सकते हैं स्टोकेस्टिक, यहाँ पर स्टोकेस्टिक का ब्लू लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है। आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन देखना है, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ अगर 10 रिवर्सल कैंडल भी बन रहा है तो ही आप लोग को 1 से 2 मिनट का ट्रेड लेना है और ये क्रॉस कर दें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्टोकेस्टिक नीचे क्रॉस कर दिया और यहाँ एक डार्क क्लाउड कवर रेड कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका रैली कितना बड़ा रैली है। तो हो सकता है ये कभी कभी आपका लॉस भी जाए क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जो है 100% वर्क नहीं करती है, तो आप लोग को पता ही होगा। और ये आपका अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 7 से 8 जरूर ट्रेड विन कराएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं और थोड़ा कम ही बैलेंस से ट्रेड कीजिए, हाई रिस्क नहीं लेना है एक बार में, ठीक है। और गाइस, अब बात कर लेते हैं आपको इसमें ट्रेड कब नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर स्टोकेस्टिक जो है दोनों एक ही लाइन पर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें इसका कोई भी ठीक नहीं होता। ये ऊपर भी जा सकता है क्रॉस करके और नीचे भी आ सकता है, वो भी तुरंत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ इस टाइम पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जब दोनों लाइन के बीच ज़्यादा गैप हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कितना गैप है, और अगर वो क्रॉस करें तो ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितना गैप था दोनों लाइन में, और यहाँ पर ये क्रॉस कर दिया, ये दिख रहा है, ये क्रॉस कर दिया ब्लू लाइन ऊपर में रेड लाइन को। तो यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर एक हैमर भी बना था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ट्रेंड इसका कैसा है। तो ऐसे आप लोग को ट्रेड करना है और इस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, अच्छा स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।